जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरह से रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास जो सेट है वो सैमसंग का सेट है, जो कि सेट को चालू करने पर उस पर ग्राफिक्स शो नहीं हो रहा। आज हम फुल डिटेल में समझेंगे कि सैमसंग के हैंडसेट में सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती है। तो आज हम समझेंगे किस तरह से हमारे पास जो सेट है सैमसंग का, उसको किस तरह से हम रिपेयर करते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है वो केवल एक मॉडल पर नहीं होगी, जितने भी सैमसंग के फ़ोन होते हैं जिसमें एमोलेड डिस्प्ले लगा होता है, सबका सेक्शन एक जैसा ही होता है, सब एक जैसा ही काम करते हैं, रिपेयर किया जाता है। वीडियो को एंड तक देखना तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लाइट सेक्शन पर काम करेंगे क्योंकि ग्राफिक्स शो नहीं हो रहा। वोनियो के थ्रू हमने देखा तो ग्राफिक्स सेक्शन ओके था, लाइट सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमको एक वोल्टेज नहीं बन रहा था, इसीलिए हमारे डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं हो रहा था, जो कि माइनस का 4 वोल्टेज होता है। हमेशा सैमसंग के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के अंदर 3 वोल्टेज बनते हैं, एक 7 वोल्टेज, एक प्लस का 4, एक माइनस के 4। तो हमारे में माइनस के 4 वोल्टेज नहीं बन रहे थे, इसीलिए इसमें लाइट का समस्या था। तो सबसे पहले हमने इसका लाइट आईसी को निकाल लिया है, ठीक है। और दोस्तों इसको क्लीन करने के लिए सिंपल, आप पहले निकालने के बाद आपको इस पर पीपीडी लगाना होगा। पीपीडी लगाने के बाद आपको आयरन का जो हीट लेना है वो आपको 320 ले सकते हैं, और सिंपल तरीके से आपको इस तरह से कर देना है। क्योंकि इस आईसी ये चारों साइड से कवर था, तो हमने नीचे से एक कैपेसिटर निकाल दिया है, इससे आईसी को निकालने में आसानी हो जाती है। तो आईसी को निकाल के सिंपली इसे क्लीन करके फिर चेक करेंगे। सबसे पहले हम आईसी को रिवॉल्व करके लगाएंगे। पहला काम हमारा होता है कि आईसी को रिवॉल्व करके लगाना। कस्टमर का कहना था कि सेट गिरने के बाद ऐसा हो गया है, तो लूज कनेक्शन भी हो सकता है और नहीं तो आईसी भी आपकी डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पर हम आईसी के साइड में जितना भी ग्लू है उसको कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। हटाने के बाद एक बार आईसी को रिवॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा सेट सक्सेस होता है कि नहीं। फिर उसके बाद नहीं होता है तो हम न्यू आईसी लगाएंगे, और नया आईसी लगाने के बाद फिर से चेक करेंगे कि हमारा ग्राफिक्स जो नहीं आ रहा था वो आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ग्राफिक्स के सारे वोल्टेज हम बन रहे हैं। क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले में अगर ग्राफिक्स या लाइट में से कोई भी लाइन आपका कट हो जाएगा तो आपका डिस्प्ले में कोई भी इमेज शो नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने इसका ग्राफिक्स चेक किया, ग्राफिक्स ओके था। ग्राफिक्स ओके होने के बाद फिर हमने वोल्टेज चेक किया लाइट सेक्शन के। तो लाइट सेक्शन में हमको सिंपली एक वोल्टेज नहीं मिल रहा था, जो कि माइनस के 4 वोल्टेज था, इसीलिए सबसे पहले हम आईसी को रिमूव कर लिया है, और आईसी को क्लीन करके एक बार रिवॉल्व करके लगाएंगे। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. दोस्तों हमने आईसी रिवॉल्व कर दी है और थोड़ा सा वो ठंडा हो गया है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा ग्राफिक्स आया है कि नहीं। ठीक है, सीधा डायरेक्ट हम बोर्ड में चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आता तो एक बार वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारा बनता है कि नहीं। हमारा फोल्डर ओके है, फोल्डर चेक किया हुआ है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद नहीं तो हमको नया आईसी लगाना है। अभी नया आईसी हमारे पास है नहीं, इसीलिए एक बार चेक कर लेते डायरेक्टली। यहाँ पर हमने सेट को ऑन किया और आप देख सकते हैं कि हमारा सैमसंग M21 सेट में ग्राफिक्स आ गया है जो कि नहीं आ रहा था। तो दोस्तों सिंपल तरीके से आप अगर कस्टमर का रिव्यू लेते हैं, कस्टमर बोल रहा है कि सेट गिरने से ऐसा हुआ है, तब आप समझ जाएं पहले ग्राफिक्स को चेक करें उसके बाद ही लाइट को सॉल्व करेंगे। पहले ग्राफिक्स चेक करेंगे उसके बाद लाइट। तो यहाँ पर हमारा लाइट का समस्या था जो कि सॉल्व हो चुका है। इस तरह से अगर आप समझ के काम करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत हद तक अच्छा काम कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा सेट ओपन हो गया है और टच भी काम कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।